हरि ओम फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए इस तरह की ड्रेस जो मैंने लास्ट वीडियो में बनानी बताई है इसके साथ की कैप बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ की इस तरह की कैप बना के रखी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी कैप बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की ड्रेस बनाना चाहती हैं और आप भी देखना चाहती हैं मैंने किस तरह से बनाई है, तो आप से मेरी लास्ट वीडियो बनाया है उसमें जाकर देख सकती हैं, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह की कैप बनाना शुरू करेंगे। तो कैप बनाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप हमारे हरिओम नीटिंग लाइव चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन जरूर दबाएँ और फिर ब्लू बेल का आइकन बटन भी जरूर दबाएँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी कैप शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से देखिए हमने 3 चैन डालेंगे। 3 चैन डालने के बाद देखिए ये फर्स्ट वाली चैन में जाएंगे हम इस तरह से, देखिए, और इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और ये हमारी यहाँ से देखिए एक सर्कल सा बन गया है छोटा सा। तो हमें छोटी सी कैप बनानी है, तो इसे देखिए 2 चैन डाली हमने। अब हम इसी सर्कल में से इस तरह से ये देखिए, अब हमने इन तीनों को इकट्ठा निकालना है। तो इस तरह से मैं ये पूरा सर्कल बनाऊंगी। तो मैं इस सर्कल में 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम जो हमने ये पहली 2 चैन ली थी इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब हम फिर इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 2 चैनें बनाई हमने, और इसके साथ में जो ये यहाँ पर सर्कल सा ये देखिए लूप बना हुआ है यहाँ पर बनाएंगे। इसमें भी हम देखिए डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, ऐसे देखिए तीनों धागों को एक ही बार में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं एवरी ये देखिए यहाँ पर हमने लूप में डाला है, उसके बाद हम ये देखिए चैन में डालेंगे। तो 3, ये हमारा हो गया 4th। तो यहाँ पर ये हमारा हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक हमने यहाँ पर ज़्यादा कर दिया है और एक हमने यहाँ पे जब आएंगे एक और इसके साथ डालेंगे जो हमने यहाँ शुरू किया था। तो इधर से और इधर से हमने 2 जो है डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। तो इस तरह से मैं अपना ये अब सर्कल पूरा कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाए थे, ये देखिए एक ये चैन थी और एक हमने यहाँ बीच में से बनाया था, तो ये 2 हो गए थे। तो इस तरह से अब हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 0 नंबर की बना रहे हैं तो इतनी सी कैप काफ़ी रहती है, तो अगर आप 2 नंबर की ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें आप एक सर्कल इतना सा और दें, जैसे हमने ये वाला सर्कल दिया है। देखिए जैसे ये हमने 2 चैन बनाई, अब इसी में जो इसके साथ नीचे होल है उसमें इस तरह से, तो इस तरह से बनाकर फिर हम इसी तरह बनाएंगे, और जब हमारा हाफ में आ जाएंगे तो वहाँ पर एक इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से ही ये राउंड पूरा हो जाएगा। तो मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ इस तरह से, देखिए ये देखिए। तो मैं इस तरह से हाफ में जाके यहाँ पढ़ाऊँगी और पूरे सर्कल को पूरा करूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बढ़ा दिया है और बाकी सब में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब हम अपने लास्ट में आ गए हैं। और लास्ट में आके हम इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना दूसरा कलर ऐड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से पिंक धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से। और ये हमारा इसके साथ दूसरा कलर ऐड हो गया है। अब हम ये देखिए यहाँ पे लूप में जाएंगे। अब हमने चैन में नहीं जाना, अब हमने लूप में जाना है। तो लूप में जाके इस तरह से हम एक बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया। और फिर अगले में देखिए, ये जो हमने दोनों धागे हमारे इनको साथ में ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से दो बार बनाएंगे यहाँ पर। तो एक लूप में हमने एक बार बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और जो ये हमारा एक और दूसरा लूप है उसमें हम दो बार बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपके हमने हमने इसको जोड़ा था उसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमारी ये छोटी सी कैप बन गई है। और अब हम अपना पफ वाला डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने अब तीन चैन बनाई। और ये देखिए, होल के अंदर जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे पफ बनाएंगे। एक, दो हो गए हमारे, और ये तीन। तो इसमें हम ज़्यादा बड़ा पफ नहीं बनाएंगे, कैप है हमारी, तो इसलिए ये देखिए इस तरह से अब हमने इसको पफ को लॉक कर देना है। और यहाँ से दो चैन को, एक दो, दो चैन को स्किप करेंगे और यहाँ पे तीसरी चैन में जाकर इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे होल में जाएंगे। यहाँ से देखिए होल में गए हम। और ये देखिए इस तरह से इसको हमने यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर फिर हम दोबारा से तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे पफ बनाया है, ये देखिए इस होल में जाके इस तरह से हमको पफ बनाना है। ये देखिए, तो ये हमने तीन बार धागा लिया है। तो अब इसको हम इस तरह से कर देंगे। तो इसको भी हम, ये देखिए, एक दो और ये तीन, तीसरे में जाके इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से मैं अपने सर्कल को पूरा कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना सर्कल बनाते हुए अब लास्ट में हम यहाँ पर आके ये देखिए इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी ये कैप बन गई है। तो अगर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने दो तरह के पर्ल ले रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये हमारे ये वाले पर्ल्स हैं हाफ कट, जो कि हम पेस्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने पहले अपनी ड्रेसेस में भी इस तरह के पर्ल बनाए हैं। अगर आप सुई धागे से लगाना चाहते हैं तो एक इस तरह के हाफ कट पर्ल सुई धागे से भी लगते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर है, जैसे मर्जी आप पर्ल लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पेस्ट वाले पर्ल लगा कर बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमें इसी तरह की फैब्रिक के ऊपर प्रयोग करना है और इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है, आप कोई भी मोती ले सकते हैं या आप और भी किसी चीज़ का जो अच्छा लगे उस तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने इन सब पर्ल्स को लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये कैप बनकर रेडी है। अब आप हमारे हरी ओम निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।